सर। हाँ बॉस ने कहा कि इन पर साइन कर दो। अरे यार बॉस से कह दो कि बस हो गया, साइन करते करते पेन की रिफिल के साथ साथ मेरी उंगलियां भी खर्च हो गई हैं। तो कोई बात नहीं, आप अंगूठा लगा सकते हैं। उल्टे हाथ पे झापट लगा दूं? आगे से हट। और बॉस से कह दो कि 5:30 बजे के बाद काम करने के लिए मैं कोई घरेलू नौकर नहीं उनका। ये घरेलू नहीं ऑफिस का काम है, तो आप ही कर लो। क्या सर? सर 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 जरा बात को समझा कीजिए सर, 5:30 बज चुके हैं, घर जाना है, बीवी इंतजार कर रही होगी सर। बीवी या बीवियां? एक्सक्यूज मी। ओ आ गया। हायर इनक्यू डार्लिंग बोलो। नहीं डार्लिंग आज लेट हो जाऊंगा, ऑफिस में बहुत काम है। हाँ बाय। That's like a good boy. Good boy. What? सर मुझे घर जाना है। अरे अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम लेट आने वाले हो। वो दूसरी बीवी को सर, लेकिन पहली बीवी घर पे मेरा इंतजार कर रही है। तो क्या ये सब काम तुम वहाँ घर जाके करोगे? अरे हट। सर घर पे मैं काम वाम नहीं करता, घर पे मैं सिर्फ रिलैक्स करता हूँ। अब हटना। Excuse me, sir. ओहो, देखा आपके भविष्य में क्या लिखा है। आपके जीवन में एक भयानक औरत आएगी। लो आएगी? मुझे तो लगता है काफी पहले आ चुकी है। क्यों भयानक औरत लगती हूँ? नहीं नहीं, अरे मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ। अरे मैं आपको क्लास की बात कर रहे हो? अरे यार जीना भी। मामा क्या है, मामा आप भी क्या पढ़ते रहते हो? ये भविष्य भविष्य सब बकवास है। 3 साल पहले मेरे भविष्य में लिखा था पति का सुख मिलेगा, और उसी दिन रोहन भाग गया घर से। लफंडर आदमी, वो घर से बाहर निकल गया, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? ओह मामा, पता है थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे भविष्य में लिखा था मन की शांति मिलेगी, और उसी वक्त वो रंभा आई और मेरे दिमाग का दही करके चली गई। आज के भविष्य में क्या लिखा है? क्या लिखा है? आपका पति आपको ज्यादा समय देगा। रोहन को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं मामा, वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकने वाला। 2 मिनट ज्यादा हो गए। तेरी जगह मैं होती ना, उसे दरवाजे में पाँव नहीं रखने देती। मामा क्या मैंने करती है? पराई औरत के चंगुल में फंसे हुए पति के लिए क्यों इतना तरसती है तू? ये आप थोड़ी ना जानेंगी, इसे प्यार कहते है। प्यार है? हाँ प्यार, जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं किया। अरे तुम वापस आ गए? चलो जाओ वहाँ जाके चावल साफ करो, जाओ। हाँ करता हूँ। अरे जीतू बेटा, तुम ये टाइम के बारे में रोहन से साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेती? मैं जैसे ही बात करने जाती वो अपनी घड़ी दिखाता है मुझे। देखो उसे ज्यादा देर यहाँ रोकने के मैं तो खिलाफ हूँ, लेकिन तुम अगर उसे ज्यादा देर रोकना चाहती हो तो मेरे पास एक आइडिया है। मम्मी बता दो ना, मैं उसे रोके रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस उससे करवा लेना है। मैं कुछ समझी नहीं। रोहन जब आएगा तो मीठी मीठी बातें करके उससे कुछ काम पकड़ा देना, जो करते करते उसके 2-3 घंटे निकल जाएंगे। जिंदगी भर मुझसे यही काम करवाया। मामा लगता है रोहन आ गया। मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं? ए, ए, इधर आ, वो चावल रितु को दे दो। नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ ना। अरे हो जाएगा भाई, रहने दो। दे दो। अरे क्या छोड़िए ना। अरे क्या छोड़िए ना, छोड़िए ना कह रही हो? पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? चावल ले ले, मैं दरवाजा खोलती हूँ। तुम भी कमा। अरे तू समझती नहीं किसी बात को, अब देखो यहाँ पूरा सब कचरा कर दिया। आओ रोहन। अरे आओ रोहन, क्या दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? नहीं नहीं मैं किचन में थी ना, और रितु चावल साफ कर रही थी, सॉरी। अच्छा अरे रोहन तुम आ गए, देखो ना दरवाजा खोलने के चक्कर में सारे चावल ही गिर गए। डार्लिंग तुम एक काम करो, तुम आराम से चावल उठाओ, मैं बाद में आता हूँ। एक मिनट, क्या इधर आओ। ये कोई तरीका है बात करने का? हाँ कोई और होता तो कहता, डार्लिंग तुम रिलैक्स करो, ये चावल मैं उठाता हूँ। हेलो रोहन, कहाँ हो? अरे बस बस निकल ही रहा हूँ। कहाँ से? रितु के यहाँ से। व्हाट? हो गया? हाँ हाँ लगभग। तो ये रख लो, ये करो। अरे ये क्या यार, घर के साथ साथ पूरे मोहल्ले के चावल साफ करवा रही हो क्या मुझसे? ओहो रोहन, मैं तो समझती थी कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। डार्लिंग तुम्हारी मदद करने के इरादे से ही पिछले 2 घंटों से चावल बीन रहा हूँ मैं। क्या तुम हो कि एक प्लेट खत्म नहीं हुई दूसरी लाके रख देती हो? अरे रोहन इतने घंटों से चावल बीन रहा है। देखा
सासू माँ को भी, जिनसे मैं बिल्कुल हमदर्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उनको भी मेरी हालत पे तरस आ गया। बेटा उठा, चावल उठा, क्या उठा, क्या ये मोबाइल भी हटा, हटा, हाँ ये लो, ये सब सब्जी साफ कर लो बेटा। क्या? हाँ, क्योंकि इतनी भी मदद नहीं करोगे। अरे तो आप क्या कर रही है? मैं तो 8-10 दिन के कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम धोगे? नहीं नहीं सब्जी ठीक है। रोहन ये बहुत हैवी है, जरा पकड़ो इसे। अरे ये आ गए, तुम आ गए उस रंभा के यहाँ से गुल खिलाकर। अरे गुल खिलाकर कहाँ बाबा, चावल साफ करके आ रहा हूँ। क्या हुआ ना डार्लिंग, वो रितु ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरे लिए चावल चुन दो। और तुमने चुन दिए। मैं मना कैसे करता डार्लिंग? बिल्कुल वैसे जैसे मुझे मना करते हो। इस घर में तो तुमने चावल को कभी हाथ तक नहीं लगाया, मुझे तो कभी भीन कर नहीं दिए चावल। इनफैक्ट खाने की टेबल पे तुम्हें चावल भी मैं खिलाती हूँ अपने हाथों से। यू आर अ डार्लिंग। नो छोड़ो, उस डायन के से चावल भीन कर आ रहे हो। छी, एक बात बताऊं, दरअसल मैंने ज्यादा चावल साफ भी नहीं किए। आधे तो जेब में भर के लाया हूँ, ये देखो। ये तो सब्जी है। सॉरी सॉरी, चावल पैन की जेब में रखे। हाँ हाँ हाँ, ये देखो। वैसे ये सब्जी कहाँ से आई? वो लगे हाथ रितु और उसकी मम्मी ने थोड़ी सब्जी भी साफ करवा ली मुझसे। ये क्या कर रही हो तुम? हैं? मैं उस रितु की सफाई कर रही हूँ। अरे हेलो 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 हेलो, अरे क्या हुआ? हेलो हेलो की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे हस्बैंड से अपने घर के चावल और सब्जी साफ करवाए? ए, तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है इडियट? अरे चिल्लाने की बात छोड़ो, अगर तुम मेरे सामने होती ना तो मैं तुम्हारे सारे बाल साफ कर देती। रोहन, हाँ। किचन में ढेर सारे चावल पड़े हैं, उन सबको साफ करके ही बेडरूम में आना। ओके, गुड नाइट। हाँ भाई, कहाँ हो? ऑफिस खुला हुआ कितना टाइम हो गया, तुम पहुंचे ही नहीं? आ गया। गुड गुड, एट लास्ट पहुंच गया। बैठ भाई बैठ। ये क्या हाल बना रखा है भाई? अरे यार क्या बताऊं, मेरी दोनों बीवियों ने मेरा कचुंबर निकाल दिया यार। हाउ इंटरेस्टिंग, टेल मी। कहना क्या चाहता है तू? मतलब दो दो बीवियां कचुमर? कल्पना की उड़ान को जरा लगाम दे, तू समझ रहा है ना, वैसा कचुम्बर नहीं। तो मुझसे घरेलू काम करा करा के कचुम्बर निकाल दिया यार मेरी बीवियों ने। ले, तुझसे बॉस ऑफिस का काम तो करा नहीं सकते, तेरी बीवियों ने घर के काम करवा लिए। अरे क्या बताऊं तुझे, कल से मैं सब्जी साफ कर रहा हूँ, चावल बीन रहा हूँ, अरे आज तो रिंकू ने मुझसे कपड़े भी धुलवा लिए। अरे यार क्या बात है सर, आप कपड़े धो रहे, सब्जी काट रहे? हाँ हाँ सपना, और मुझे यकीन है कि हमारी सोसाइटी में सब्जी काटने में मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। ना ना सर, मुझे आप पर यकीन नहीं है। अरे तो ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करवा ले, घर चली जा किसी दिन और देख ले ये कैसा काटते हैं। उसमें घर जाने की क्या जरूरत है? सर आप तो मुझे यही डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए। वेरी गुड, सब्जी कैसे साफ करते हैं? क्या हमने बात करके क्या? नहीं 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 सर, प्लीज सर एक बार करके दिखाइए ना कैसे साफ। अरे नहीं चल, जाओ इतने प्यार से कह रहे हो। प्लीज प्लीज। अच्छा ओके ओके ओके, पहले ना पहले लेफ्ट हैंड में मटर से पकड़ो, फिर राइट हैंड से करके दबाओ। ओके देखो, ये सब्जी इस तरह से जो है, ये ऑफिस है या सब्जी मंडी? हट बे कद्दू। सॉरी सॉरी, मैं तो सपना को जस्ट शट अप। सपना उठा ये सब्जी की दुकान और दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ सर। और आइंदा खबरदार अपने बॉस से सब्जी साफ करवाई दो। सॉरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी डिग्निटी मुझे वापस दिला दी। थैंक्स अ लॉट। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल माय बॉय। But I want you to do me a favor. Anything for you, sir. ऐसे साफ करके दोगे? Sure, sir. तीखी मिर्ची खा गया भैया।
इंतजार कर रही हूँ। क्या? अच्छा ओके ओके। मामा मामा रोहन आ रहा है, मामा मामा रोहन आ रहा है। मैं कम से कम उसे 2 घंटे तक रोक के रखना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छा आइडिया सोच रखा है, आने दो उसे। आ गया। ओह माय गॉड, रोहन आया, रोहन, आई कांट बिलीव इट, रोहन आया। कल रिंकू से झगड़ा करने के बावजूद आज तुम मुझसे मिलने आए। रिंकू से मेरा कब झगड़ा हुआ? वो चावल बिनने को लेकर। That's nothing, बेटा वो कवर पकड़ा देना मुझे। थैंक यू बेटा। रितू, मैंने रिंकू से साफ साफ कह दिया कि एक आध बार रितू ने मुझे कुछ करने को कहा और मैंने वो कर दिया, तो कौन सा आसमान टूट पड़ा यार। सो स्वीट, थैंक यू सो मच रोहन। ए रोहन, आ जा, तुम खाना खा कर जाना। हाँ अरे नहीं नहीं बाबा, नहीं 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 बेटा, ये पकड़ो जरा। हाँ ये डाल दो अंदर। अरे क्या, नहीं नहीं। अरे यार 5 मिनट में निकलने वाला हूँ मैं बाबा। ओ गॉड, यही तो मेरी बदकिस्मती है, 5 मिनट से ज्यादा मुझे देता नहीं है। अरे यार तुम रूट क्यों नहीं उठाले? तो रूट नहीं तो क्या, मेरी किस्मत ही फूटी है। थैंक यू, डाल देना जरा। मैं देती हूं। रितू डोंट बी सिली। देखो मैं ना रिंकू से झगड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए। ठीक है तो जाओ जाओ। ओके मैं चलता हूँ। नहीं 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 बेटा, ये सारे पिलो कवर्स खत्म करो और फिर जाओ। हाँ बेटा सारे पिलो कवर्स। नहीं नहीं, आई एम सॉरी। क्यों? अरे मैं रितू से कहती है लेकिन उसके हाथ में दर्द है ना, इसलिए। रहने दो मम्मी, रहने दो, कोई बात नहीं। पिलो कवर चेंज करने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। हाँ। अगर रोहन मेरी मदद कर देगा तो 5 मिनट के अंदर ही काम हो जाएगा। अच्छा ये सारे पिलो कवर्स 5 मिनट के अंदर अंदर चेंज करके हो जाएंगे? हाँ। देखो पक्का? हाँ पक्का। तो जैसे ही पिलो कवर्स चेंज हो जाएंगे ना मैं निकल जाऊंगा। अरे ये देना। ओके, ओके, और बाद में बस बेड कवर्स रह जाएंगे। क्या बेड कवर्स? नहीं 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 यार, उसको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट बस। 2 मिनट में बेड कवर्स चेंज हो जाएंगे? ओके ओके ओके। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि ये सारे काम आप रितू के डैडी की मदद से क्यों नहीं कर लेती? कर सकती थी लेकिन बेटा क्या, क्यों? इतनी तबीयत खराब है उनकी, वो ऐसे कर रहे हैं अंदर। अच्छा, अच्छा, अरे यार शाबाश शाबाश। इतना काम तो मैं जब यहाँ रहता था ना तब भी नहीं करता था। रोहन रहने दो, तुमसे नहीं हो रहा है तो रहने दो। ठीक है कर रहा हूँ। नहीं नहीं रहने दो। अरे कहा ना ठीक है। अरे नहीं रहने दो। ओके ठीक है रहने दो, मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम दोनों मिलकर एक काम कर देंगे। ठीक है कर दोगे ना? हाँ हाँ। ओ रोहन रोहन, इसके बाद ना हम लोग किचन में जाएंगे। हाँ एक तरफ काम भी होता रहेगा और एक तरफ गपशप भी चलती रहेगी। किचन में कौन सा काम बाकी है डार्लिंग? अरे आज वो हमारी काम वाली बाई नहीं आई ना, तो कुछ बर्तन साफ करने हैं। रोहन रोहन, कौन सा कुशन कवर चेंज करना है रितू की मम्मी? रोहन होश में आओ, तुम खाना खाते खाते सो गए। ओह डार्लिंग आई एम वेरी सॉरी। क्या ना आज मैं बहुत थक गया हूँ ना, इसलिए। किया क्या है तुमने जो तुम थक गए हो? अरे रितू की मम्मी ने मुझसे पिलो कवर्स चेंज करवा लिए, कुशन कवर्स चेंज करवा लिए, बेड कवर्स भी चेंज करवा लिए। इसका मतलब तुम फिर उस रंभा के घर गए थे ना? हाँ यू नो डार्लिंग, रितू ने कहा कि सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जा, मैं आज तुमसे बर्तन या सब्जी साफ नहीं कराऊंगी, और पिलो कवर्स दे दिए। रोहन नथिंग, तुम बेडरूम में जाओ सो जाओ। अरे सो कैसे जाओ, बर्तन कौन साफ करेगा? बर्तन तुम साफ करोगी रोहन? क्यों नहीं डार्लिंग, रितू के लिए कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कर सकता? हरगिज नहीं, ये बर्तन बर्तन साफ करना औरतों का काम होता है, या तो मैं करूंगी या मेड सर्वेंट, तुम नहीं। अरे वो तो है डार्लिंग, लेकिन हमारे घर मेड सर्वेंट आती भी है? आती है रोहन। अच्छा। और अगर नहीं भी आती तो भी ये काम तुम तो नहीं करोगे, तुम बेडरूम में जाओ सो जाओ। सच डाल डार्लिंग? जाओ। ओके तुम भी चलो ना डार्लिंग। आती हूँ बस, जरा काम वाम खत्म कर लूं। ओके। अरे रोहन ये तुम क्या कर रहे हो? चद्दर साफ करके बिछा दी मैंने, कुछ गलती हो गई क्या? बैठो रोहन, ये तुम्हारे काम नहीं है बेबी, ये मेरे काम है, मैं करूंगी, तुम आराम से सो जाओ। क्या ये सब भी तुम ही करोगी डार्लिंग? ओह थैंक यू वेरी मच। जानती हो रितू और उसकी मम्मी ने मुझसे दुनिया भर के कवर्स चेंज करवा लिए, थक गया मैं कवर्स चेंज करते करते। आई नो रोहन, यही तो फर्क है उसमें
और मुझ में। वो तुम्हें नौकर की तरह रखती है रोहन। नौकर की हाँ राइट। और मैं यहाँ खुद तुम्हारी सेवा करती हूँ। ऑफ कोर्स डार्लिंग। लेकिन फिर भी तुम रोज चले जाते हो उसकी चौखट पे अपनी नाक रगड़ने। बंद। कल से नाक रगड़ना बंद। बंद। जूते घिसना बंद। बंद। कल से रितु के यहाँ जाना बंद। 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 अब तुम जाकर सो जाओ। ओके। आंखें बंद। सताने वाला दूर रहकर भी सता सकता है। अच्छा, आपको कैसे पता? क्योंकि जब भी तुम किसी सहेली के यहाँ जाती हो तो वहाँ से बार बार मुझे फोन करके और क्या करती हो। ओहो, आपको मेरे एग्जांपल के सिवा कुछ नहीं सोचता? हाँ, क्योंकि सताने के मामले में तुम तो मास्टर हो। चुप रहिए, वरना मैं देखो अभी मामा, मैं ना सोचे मैं रोहन को फोन करती हूँ। अरे अभी तो कह रही थी वो सता रहा है, उसी को फोन लगा रही है। मामा समझा करो, उसने यहाँ आना जाना बंद कर दिया है। हाँ तो उसकी कोई मजबूरी होगी ना। हाँ, ऑफिस में बहुत सारा काम होगा। मुझे तो लगता है हमारे काम के डर से उसने यहाँ आना जाना बंद कर दिया है। हेलो हेलो, रोहन है? यस मैम। हाँ एक मिनट। हाँ एक मिनट सर, रितु मैम का फोन है। क्या मैम? सर को गर्मी लग रही है क्या? एक मिनट मैम। मैम सर को ना सीने में दर्द हुआ है, इसीलिए वो एक्सरसाइज करने बाहर गए हैं। क्या? अरे अरे सर। इडियट, मैं कह रहा था कि तुम रितु से कहो मैं यहाँ नहीं हूँ, चला गया हूँ। सिंपल इशारे नहीं समझ सकती? सर इससे पहले कभी आपने मुझसे इशारों में बात नहीं किया ना सर, मैं कैसे समझ पाऊंगी? सर हमेशा डांटते हैं। अरे भाई क्या बात है, कब से रितु भाभी ट्राई कर रही है तेरा मोबाइल, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा उनका? वो देख उन्हीं का आया होगा। उसी का है। गुड। तू रितु से बात कर। क्यों? उसे कह देना कि मैं बॉस के साथ मीटिंग में बिजी हूँ, और उसे पूछना कि क्या काम है, मैं सर्वन भिजवा दूं। पूछे से बोल। अच्छा हाँ। समझ गया। हेलो भाभी। हाँ मैंने आपका मैसेज दे दिया रोहन को। नहीं नहीं वो तो बॉस के साथ मीटिंग में है ना। टुटुन मेरा एक काम कर दो प्लीज, रोहन से कहना बहुत बहुत अर्जेंट काम है, ऑफिस के बाद घर चक्कर लगा ले। हाँ अरे आप मुझे बताइए ना रितु भाभी, ऐसा क्या अर्जेंट काम है? क्या आज भी घर में काम करने वाली बाई नहीं आई तो मैं भेज देता हूँ। शट अप। फोन काट दिया भाई। जानता था मैं, जानता था यार। सच कहूं आजकल ना मुझे रितु से ज्यादा रिंकू अच्छी लगने लगी। अच्छा हाँ, अरे कितनी सेवा करती है मेरी वो, और एक भी काम को हाथ नहीं लगाने देती मुझे। देखो भाई जब बीवी जरूरत से ज्यादा सेवा करने लगे तो वो भी चिंता का विषय है। अब क्या है? SMS है। किसका है? रितु का SMS है, कहती है मैं तुमसे कोई घरेलू काम नहीं कराऊंगी, बस 2 मिनट में तुम्हें छोड़ दूंगी, प्लीज चले आना। क्या करूं? मत जा, क्योंकि गर्दन काटने के लिए 2 मिनट काफी होते हैं। अरे रोहन आओ 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 बेटा। हाँ, क्यों? आपके मुंह से बेटा सुनकर मुझे घबराहट होने लगती है। क्यों? पता नहीं आप क्या काम बताएंगी, मुझसे कपड़े धुलवाएंगी या सब्जी कटवाएंगी। बेटा ये तो हम सब रितु के लिए कर रहे थे। हाँ ये तो सिर्फ जरिया थी। रोहन अंदर चलो ना। अंदर मतलब बेडरूम में? शर्म नहीं आती? पिछले हफ्ते ही तो मैंने सारे बेड कवर्स और पिलो कवर्स चेंज करवाए थे। वो रोहन क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, ये सब हमने तुम्हारी कंपनी के लिए किया है। हाँ। मेरी कंपनी का तुम्हारे घरेलू कामों से क्या ताल्लुक है डाली? ओहो, कंपनी आने तुम्हारा साथ चाहिए था ना हमें। हमें? तुम्हारी मम्मी को मेरा साथ चाहिए था।
मम्मी को नहीं इडियट, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था। और वैसे भी ये मम्मी का ही आइडिया था कि तुमसे घर का काम कराए ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तुम मेरे साथ बिताओ। अच्छा, इनका आइडिया था ये? कितना घटिया था, नहीं आती तुम दोनों को, इसलिए तुम दोनों ने मुझे नौकर बना दिया। अरे तुमसे तो अच्छी वो रिंकू है जो एक भी काम नहीं कहती मुझे। तो ठीक है, आज से मैं भी एक भी काम नहीं कराऊंगी तुमसे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। खुश जाओ, सबके लिए कॉफी बना कर लेकर आओ प्लीज। रिंकू, हाय। हाय, आ गए अपनी पहली बीवी की गधा मजदूरी करके। क्या क्या बक रही हो तुम? तो कहां से आ रहे हो? आ तो रिट्टू के घर से ही रहा हूं, लेकिन गधा मजदूरी करके नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो? ऑफ कोर्स, जानती हो डार्लिंग, आज रिट्टू को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे कितनी इज्जत से पेश आए मुझसे, पता नहीं तुम्हें। अच्छा? हाँ, और इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। पक्का? पक्का, और बहुत एनर्जेटिक भी फील कर रहा हूँ डार्लिंग। बहुत एनर्जेटिक? बहुत ही एनर्जेटिक। पक्का ना? हाँ। तो फिर किचन में जाके कुछ बर्तन मांज दो ना।